इसके सवाल पर दोस्तों, मैं हूं कश्मंडर। आज आपके साथ बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। क्या आप भी चाहते हो कि आपका खुद का कोई स्टार्टअप हो? क्या आप चाहते हो कि मेरा 10 से 12 घंटे जो भी जा रहा है वो किसी मेरे खुद के काम के लिए जाए? क्या आप चाहते हो कि कैसा कुछ मैं पाइपलाइन तैयार कर दूं जिससे कि कल को अगर मुझे आराम करना हो तो पाइपलाइन हमको आराम से सुकून से सोने दे क्योंकि उस पाइपलाइन से मुझे पैसे अर्न होता रहे? क्या आप चाहते हो कि मेरा खुद का स्टार्टअप हो लेकिन आप डरते हो कि यार मेरा जॉब भी है, मैं कैसे करूंगा? या फिर आप डरते हो कि अगर मैं जॉब छोड़ के वो किया और वहां पर सक्सेस नहीं हुआ तो मैं कहां जाऊंगा? इस तरह की चीजें अगर आप करना चाहते हो तो ये वीडियो आपकी काफी हेल्प कर सकता है क्योंकि मैंने खुद का स्टार्टअप बिल्ड किया है। सो मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं, शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल होगा तो नीचे कमेंट करना, नहीं हेल्पफुल होगा तो भी कमेंट कर बताना कि सर ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि कैसे हम लोग अपना स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं। गाइस हम भी जब ऑफकोर्स आपके साथ जब मैं जॉब में था तो मेरे को टेंशन होता था यार खुद का कुछ करते हैं, क्योंकि सुबह जाता हूँ, इवनिंग में आता हूँ, मतलब 9 बजे जाता हूँ, इवनिंग में 6 बजे आता हूँ, बनाता किसी और का हूँ, वो थोड़े से पैसे दे देता, वो तो मेरी तो बहुत कम 12,000 की सैलरी थी। तो मेरा वहीं से माइंड में था कि यार कुछ ऐसा करें जिससे कि मेरा खुद का इनकम सोर्स हो, जो भी मैं मेहनत डालूं उसका रिजल्टेंट डायरेक्ट मुझे मिले, न कि किसी और को मिले और उसमें से थोड़ा सा वो निकाल के हमको दे दे। तो ये थोड़ा सा माइंड में अब मेरे था, तो मैंने सोचा कि यार कैसे इसको कर सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स एक मिडिल क्लास का लड़का, अगर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का अगर अपनी जॉब छोड़ के ये करेगा तो उसको जूते के सिवाय कुछ और नहीं मिलेगा। आपको भी पता है, सॉरी फॉर बैड वर्ड्स बट दिस इज राइट, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि यार कैसे कर सकते हैं, क्या हम लोग ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं जिससे कुछ इनकम सोर्सेस होने लगे। तो प्लान करते करते धीरे धीरे आइडिया लगा कि जो मेरे आसपास जो मेरे साथ लोग हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं या फिर जो मेरे साथ वाले लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनके माइंड में क्या चल रहा है। इनमें से कुछ तो होंगे जो फंक्शनल रूप से थोड़े से माइंड से स्ट्रांग होंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ तो ये भी कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। तो फिर मैंने वहीं से धीरे धीरे दिमाग लगाना स्टार्ट किया और मैं सबसे पहले जो बड़े ऑफिस थे उनको ज्वाइन करना स्टार्ट किया। क्यों बड़े ऑफिस को ज्वाइन किया? क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे साथ कई ढेर सारे लोग होंगे, तो जब मैं उसे थोड़ी थोड़ी करके डिस्कशन करूंगा तो कई जगहों पर फंसूंगा भी, क्योंकि आपको पता है कॉर्पोरेट में एक ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि वो आपकी चुगली करके अपने को ग्रोथ देने में 2 मिनट नहीं लगाते, तुरंत आपकी बैंड बजा देंगे। बट उनमें भी कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं है, तो कुछ अच्छे लोग होते हैं। तो मैंने उनको सर्च करना स्टार्ट किया और मुझे पता चला कि कुछ ऐसे लोग थे जो मेरे साथ जो मैं करना चाह रहा था वो ऑलरेडी कर रहे हैं और वो धीरे धीरे पार्ट टाइम में कर रहे हैं। तो उनसे मैंने थोड़ी सी अपनी क्लोजिंग बढ़ाई और उनसे बात किया कि यार कैसे कर सकते हो, थोड़ा बहुत हमें भी दो। ऑफकोर्स हम उस टाइम पे इस लायक नहीं थे कि हम उनसे पैसा मांगते, हमने कहा हम करके देंगे, हम साथ में कर देंगे, आपके हेल्प में आ जाएंगे। तो डेफिनेटली उन्होंने भी समझा कि हाँ यार ठीक है, ये बंदा फ्री में करके दे रहा है या फिर कुछ पैसे लेके कर दे रहा है। तो हमने धीरे धीरे कम्युनिटी का बिल्ड करना स्टार्ट किया। जब हमने उनके प्रोजेक्ट्स करने स्टार्ट किए तो फिर हमने उनसे ही पूछा कि और कौन इस तरह के काम कर रहा है, फिर उन्होंने बताया कि हमारा ये वाला बंदा जो है ये भी करता है अच्छा काम। तो हमने धीरे धीरे उनसे भी कॉन्टैक्ट बढ़ाने स्टार्ट किए। मीन्स आपको कहने का मैं समराइज कर दूं कि आप अपने आसपास जहां पर भी है, तो अब अकेले आप सोचते रहेंगे रूम में कि मैं अपना स्टार्टअप बिल्ड करूं, कैसे बिल्ड करूं, तो कोई नहीं आएगा, ठीक है। अकेले के जगह पे आप क्या करिए, किसी भी एक अच्छे ऑफिस को ज्वाइन करिए और वहां पर देखिए कई ढेर सारे लोग होंगे जो अपना खुद का भी दिमाग रखते होंगे कंपनी के काम के अलावा। तो धीरे धीरे उनसे जैसे आप अपना मेल बढ़ाएंगे आपका काम हेल्पफुल होने लगेगा, आपको मिलने लगेगा थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट्स। इसके साथ ही साथ सैटरडे संडे जो आप अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाह रहे हो वो टाइम ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करो जहां पर उस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग जाते हो, उस कम्युनिटी के रिलेटेड लोग आते हो। जैसे कि मैं सिविल इंजीनियरिंग से हूँ तो मैं देखता रहता हूँ कि किस कॉलेज में कुछ फंक्शंस हो रहे हैं, फंक्शन इन द सेंस कि सेमिनार्स होते रहते हैं, कहाँ पे कौन से लैब का कुछ चल रहा है, कुछ भी नया हो रहा है तो मैं वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ और वहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। फिर उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा करता था, अभी तो ऑफकोर्स अपने बिजनेस में थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं, बट उससे क्या होता था कि हमारा टाई अप बहुत अच्छा अच्छे लोगों से होता था, बहुत बड़े बड़े राइटर से हो जाता था, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर से हो जाता था, बिल्डर से हो जाता था। तो उससे क्या होता था, काम आने की संभावना ज़्यादा होती थी। तो ऐसे ही आपके भी सेक्टर में, जो भी आपका सेक्टर है, आप सोचिए कि उस सेक्टर के रिलेटेड कहीं पर भी सेमिनार्स हो रहा था हमें अटेंड करना चाहिए। और उसके साथ ही साथ आज के टाइम में अगर कुछ सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहते हो तो लिंक्डइन एक अच्छा माध्यम हो सकता है जिससे आप थोड़ी सी अपना जो सर्किल है इसको बड़ा कर सकते हैं, काम करने का मतलब काम पाने का चांसेस आपके अभी तो बहुत आसान हो गया है। तो एक लिंक्डइन तो माध्यम है ही, लिंक्डइन के अलावा आप
सोशली अगर और अच्छे से अगर अपना एक बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं तो ऑफिस के माध्यम से जो भी फ्री टाइम होता है उसको अलग अलग जगहों पे जाके वहाँ के लोगों के साथ कॉन्टेक्ट भिड़ाओगे तो आपका बहुत ही आराम से प्रोजेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएगा और आपको प्रोजेक्ट्स देखोगे जैसे मिलने लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, फिर आपको लगेगा कि यार अभी काफ़ी इनकम होने लगी इधर से बगल से, अब क्या मैं इस जॉब को थोड़ा बहुत स्किप करता हूँ? नहीं, अभी नहीं, थोड़ा और देख लो, अगर जब मिलता है तो ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा करो, जब दोनों सैलरी लेवल बराबर हो जाए या फिर थोड़ा भी कम ज़्यादा हो रहा है तो इसको बोलो नमस्ते, आपने बहुत हेल्प किया। और उस जॉब में आप सारे फंक्शन को सीख लीजिए कि भाई कैसे कैसे हमको एचआर को ऑपरेट करना है, कैसे हमको अपनी कंपनी के लिए मैनेजर्स तैयार करने हैं, टीम लीडर्स से कैसे काम कराना है, सेल्स वाले से कैसे काम कराना है, इस पूरी जो सिनेरियो है इसको आप ऑफिस में सीख लीजिए। इसमें क्या हुआ, आपको पैसे भी मिल रहे थे प्लस ऑफिस में एक सही तरीके से एक्शन से आप सीख लिए कि भाई काम को करवाना कैसे, और फिर उसके बाद जब आप अपने स्टार्टअप को धीरे धीरे बिल्ड करते हो तो बड़े ही आसानी तरीके से आपका स्टार्टअप बिल्ड होने लगता है। फिर बात आती है कि हम इसको बड़ा कैसे कर सकते हैं, मतलब अपने स्टार्टअप को बिल्ड कर तो कर लिया मान लीजिए, अब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं, अब हम इसको बड़ा कैसे कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए फिर आपको और तरीके की प्लानिंग करनी पड़ेगी, और तरीके की प्लानिंग इन द सेंस कि अब हमें और लोगों को हायर करना पड़ेगा, कि तभी तो आप कर पाओगे जब दूसरे लोग हमारे साथ काम करने लगेंगे, जो मेरा काम है वो कोई और करेगा, तो मैं उससे बड़ा वाला काम करने की प्लानिंग कर सकता हूँ और किसी के साथ मिलके, फिर धीरे 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 आपका स्टार्टअप बिल्ड हो जाएगा। तो मेरा छोटा सा समरी ये है कि लोगों से मिलना स्टार्ट करो, ठीक है, फेसबुक और व्हाट्सएप में अपने टाइम को मत स्पॉइल करो, इसके जगह पे लोगों से मिलो, लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करो उनसे थोड़ी सी। डेफिनेटली मैं जानता हूँ कि 200 लोगों से मिलोगे तो 200 के 200 यूजफुल नहीं है आपके लिए, बट उस 200 में से 20 लोग जरूर यूजफुल हैं, उस 20 में भी आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 लोग तो आपका साथ जरूर देंगे, ठीक है ना, बाकी लोग एक्सपीरियंस दिए, 197 लोग एक्सपीरियंस दिए, 3 लोगों ने हमारा काम कर दिया, अब धीरे धीरे और लोगों से मिलते जाओ और अपनी इस तरीके के अपने एक छोटे से स्टार्टअप को धीरे 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 बड़ा रूप दे सकते हो। हम भी बड़ा ही कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने किया वो मैंने साथ आपके साथ शेयर किया, शायद आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और एक कहना भी चाहूँगा कि आप कुछ भी कर रहे हो, दूसरों के यहाँ सीख रहे हो, सीखिए, उसके बाद खुद का बिल्टअप करने की जरूर कोशिश करिए, छोटा ही करिए, धीरे धीरे बड़ा होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं मानता हूँ किसी भी बिजनेस में अगर सही तरीके से दिमाग लगाया जाए तो बहुत ही कम कॉस्ट में हर बिजनेस को किया जा सकता है। इवन अगर स्मॉल स्केल पर कर रहे हो तो 0 रुपीज में भी किया जा सकता है, आप 0 मतलब 10, 5,000, 20,000 रुपये तो लगा ही सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टार्ट करके धीरे धीरे ब्रॉड करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। अगर आप इस तरीके के लाइफ एक्सपीरियंस को सीखना चाहते हैं, कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ रहे थे, नीचे कमेंट करिएगा, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा विद फुल हॉनेस्टी, ठीक है। बहुत कम लोग शेयर करते हैं, मेरा मन किया कि आपके साथ शेयर करूं, वैसे भी मैं जो भी मेरा खुद का नॉलेज रहता है मैं इस चैनल पर शेयर करता हूं, तो मैं आशा करूंगा कि आपके साथ और ढेर सारी बातें होंगी। उसके लिए आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा आप किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, किस टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन होती है स्टार्टअप में, या फिर आपको लगता है कि मैं किस तरीके से प्रोजेक्ट पाऊँ, या फिर कुछ और कि भाई मैं इसको बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी है मेरे से अगर एक्सपीरियंस हो पाएगा तो मैं डेफिनेटली आपकी कोशिश करूंगा मदद करने का, तो नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। बहुत दिन के बाद वीडियोस बना रहा हूं इस चैनल पे, सो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हो सके तो इसको सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर दोगे तो थैंक यू।